ऑल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वरूप सिंह व्यवसाय अध्ययन के अध्याय अभिप्रेरणा के जो वीडियो लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं बाल म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आशा करता हूं कि और मैं समझता हूं कि आप प्रत्येक वीडियो को निरंतर देख रहे हैं और उन वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और अपनी कॉपी में लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों अभिप्रेरणा की हमने विभिन्न प्रकार की विशेषताएं महत्व उसकी तकनीकी और विचारधाराओं के बाद दो विचारधाराओं के बाद हमने कुछ प्रश्नोत्तरी को हल किया और आज जो मैंने बोला था दो हमारी विचारधाराएं जो बची है डगलस मैकग्रेगर की विचारधारा और विलियम ओची की जेड विचारधारा के बारे में हम बात करेंगे। आज मगर हमारा मोटिव मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा के बारे में रहेगा। विद्यार्थी गौर करें डगलस मैकग्रेगर एक परमन शास्त्री हुए। क्या नाम है? डगलस मैकग्रेगर एक परमन शास्त्री हुए जिन्होंने एक्स एंड वाई विचारधारा प्रतिपादित की। इन्होंने एक्स वाई विचारधारा को विरोधी स्थिति में बताने का प्रयास करवाया और कर्मचारी किस विचारधारा के अंदर क्या क्या कार्य करता है और वो उसे क्या क्या उसके अंदर जो विचारधारा उत्पन्न होती है उन्हें रोकने के लिए एक अच्छा प्रयास किस विचारधारा के माध्यम से किया जाए। उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस के अंदर एक्स एवं वाई विचारधारा प्रतिपादित की। विद्यार्थी गौर करें डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस में दो विचारधाराएं प्रतिपादित की। पहली विचारधारा का नाम है एक्स विचारधारा और दूसरी विचारधारा का नाम है वाई विचारधारा। विद्यार्थियों गौर करें इस एक्स विचारधारा के अंदर किने किने शामिल किया गया और वाई विचारधारा के अंदर किने शामिल किया गया उसकी हम आज बात करेंगे। ये एक्स विचारधारा अपने आप में नकारात्मक विचारधारा है जिसके अंदर एक कर्मचारी के अंदर जो एक अभिवृत्ति होती है एक व्यवहार को। विद्यार्थी गौर करें इन दोनों विचारधाराओं में डगलस मैकग्रेगर ने एक बात कही कि एक कर्मचारी के अंदर उसकी अभिवृत्ति उसके विचार किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं उन्हें जानने के लिए उन्होंने दो विचारधाराएं प्रस्तुत की कि एस विचारधारा के अंदर एक कर्मचारी के अंदर क्या उसकी अभिवृत्ति है क्या उसकी मनोवृत्ति है उसे जानकर उस पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाए और वाई विचारधारा के अंदर क्या एक व्यक्ति की मनोवृत्ति रहती है। तो एक्स विचारधारा विद्यार्थी गौर करें नाम से ही क्या है एक्स यानी क्रॉस नाम से ही क्रॉस है तो क्रॉस से मतलब सीधा सा हमारा तात्पर्य है कि यहाँ सब नकारात्मक चीजों को यहाँ डाला गया नकारात्मक और निराशजनक चीजें यहाँ डाली गई निराशजनक चीजें यहाँ डाली गई एक्स विचारधारा के अंदर। विद्यार्थियों गौर करें ये एक्स विचारधारा किस पर आधारित है परंपरागत प्रणाली पर आधारित है पुराने विचारों पर आधारित है। इसमें कर्मचारी के जो विचार होते हैं कर्मचारी का जो दृष्टिकोण होता है वो पुराने व्यवहारों पर आधारित है। इसलिए एक्स विचारधारा को हम कह सकते हैं कि ये एक नकारात्मक विचारधारा है निराशजनक विचारधारा है। इसमें कर्मचारी की सोच पुरानी होती है परंपरागत होती है और इस परंपरागत सोच को बदलने के लिए मैकग्रेगर ने वाई विचारधारा को भी बताया उसमें किस प्रकार कर्मचारी अपने कार्य करता है और उस कर्मचारी की क्या सोच उभर कर सामने आती है। विद्यार्थी गौर करें तो एक्स विचारधारा को निराशजनक विचारधारा बताया गया नकारात्मक विचारधारा बताया गया और ये परंपरागत विधि के अनुसार चलती है। विद्यार्थियों इसके अंदर एक कर्मचारी के अंदर नकारात्मक भावना होती है और वो अपनी आवश्यकताओं को ही एक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कार्य करता है विभिन्न प्रकार के प्रयास संस्था के लिए नहीं करता है। विद्यार्थियों और उसी प्रकार वाई विचारधारा की हम बात करें तो ये जो मानवीय संसाधन जो होते हैं मानवीय संसाधन जो उपलब्ध होते हैं उन्हें अधिकतम उपयोग करना और संस्था के लिए ये एक सकारात्मक अवधारणा लेकर सकारात्मक विचारधारा से पनपती है। विद्यार्थियों गौर करें कि सकारात्मक विचारधारा में पनपती है इसका उल्टा ये नकारात्मक एक्स विचारधारा नकारात्मक में है तो वाई विचारधारा सकारात्मक प्रणाली में पनपती है। विद्यार्थियों गौर करें इसके अंदर एक कर्मचारी जो अपना कार्य करता है वो पूरा विश्लेषणात्मक कार्य करता है अपना कार्य क्षमताओं का 100% संस्था के लिए देता है और जो प्राकृतिक संसाधन
जो मानवीय संसाधन उपलब्ध है उनका बिल्कुल उपयोग कर अपना पूरा कार्य योजन या नियोजन इसमें लगाता है। इस विचारधारा के अंदर इन्हें शामिल किया गया। डगलस मैकआर्थर के विचार प्रबंध शास्त्री हुए, जिन्होंने एक्स एंड वाई विचारधारा, जो विरोधी विचारधारा है, एक इंसान की प्रवृत्ति और इंसान के अभिवृत्ति को जानकर उसकी मनोवृत्ति को जानकर दो विचारधाराएं दी, एक्स और वाई। एक्स विचारधारा मैंने आपको समझाई नकारात्मक होती है और निराशजनक होती है। इसमें कर्मचारी में जो समझ होती है वो नकारात्मक समझ होती है, निराशजनक समझ होती है और ये परंपरागत यानी कि पुरानी विधियों के आधार पर होती है। उसी प्रकार वायु विचारधारा सकारात्मक होती है, इसके अंदर जो मानवीय संसाधन उपलब्ध होते हैं उसमें कर्मचारी उनका सदुपयोग करता है और अपना शत प्रतिशत संस्था के लिए देता है। विद्यार्थियों तो ये है वायु विचारधारा। और डगलस मैकआर्थर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस के अंदर इन दो विचारधाराओं को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया और समझाया। विद्यार्थियों गौर करें तो हम एक्स विचारधारा के बारे में समझे और वाई विचारधारा के बारे में भी समझे। अगर विद्यार्थियों आप एक्स विचारधारा के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया और इन चीजों को पढ़कर एक सफल प्रबंधक या फिर मैकआर्थर के अनुसार जो एक्स विचारधारा कर्मचारी के अंदर रहती है उन्हें हम पढ़कर उनके बारे में विश्लेषण करकर हम उनमें सकारात्मक भावना ला सकते हैं। तो वाई विचारधारा शुरू से ही कैसी है? नकारात्मक विचारधारा है और निराशजनक विचारधारा है। इसके अंदर एक कर्मचारी हमेशा निराशजनक ही रहता है और नकारात्मकता भावना इसके अंदर उभरी रहती है और ये परंपरागत प्रणाली पर आधारित है। तो इन्हीं शब्दों में हम बात करेंगे कि इनके अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया। अगर हम एक्स विचारधारा जो मैकआर्थर की है उसे अगर हम समझ जाते हैं तो वाई विचारधारा अपने आप हमारे समझ में आ जाती है। इसका पूरा टोटली ओपोजिट ही वाई विचारधारा चलती है, मगर कुछ शब्दावली को हम समझने का प्रयास करेंगे। गौर करें वाई विचारधारा अपने आप में नकारात्मक विचारधारा है और ये निराशजनक विचारधारा है। इसके अंदर कर्मचारी नकारात्मक रहता है, निराशजनक रहता है और ये एक कैसा मतलब कि आत्म केंद्रित होता है, अपने कामों तक ही सीमित रहता है, दूसरों के लिए काम करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल आलसी होता है, निठल्ला होता है और आत्म केंद्रित होता है, स्वाभिमान के लिए कार्य नहीं करता और हमेशा कार्य करने से क्या करता है? बचता है। विद्यार्थी गौर करें नाम से क्या एक्स क्रॉस, आप समझने का प्रयास करें, कहीं क्या भूल ना जाए तो आपको ये टिप्स और टैक्स के माध्यम से याद करवाता हूं। इसके अंदर एक कर्मचारी औसतन जो काम होता है उसे कम काम करता है, काम से बचने का प्रयास करता है, वो आलसी होता है, आत्म केंद्रित होता है, काम से दूर भागने का प्रयास करता है। आत्म केंद्रित यानी कि स्वयं के कार्य के लिए करता है, सिर्फ आर्थिक पैसों के लिए कार्य करता है, उसे संस्था से कोई मतलब नहीं होता है। संस्था अगर लाभ की और बड़े आर्थिक स्थिति संस्था की अच्छी हो नहीं उसे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैकआर्थर करके एक्स वाई विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए एक्स के अंदर इन प्रकार कर्मचारियों को बताया और इन प्रकार एक्स के अंदर तो एक्स विचारधारा के अंदर निम्न प्रकार की जो चीजों को शामिल किया गया उसके बारे में हम विस्तार रूप से बात करेंगे। एक्स विचारधारा के अंदर पहला बिंदु है कि एक औसत कर्मचारी आलसी कम से कम काम करना चाहता है। एक्स विचारधारा के अंदर मैकआर्थर कह रहे हैं, डगलस मैकआर्थर, एक कर्मचारी जो औसत कर्मचारी एवरेज जिसमें जैसे 30 कर्मचारी है उसके औसत 15 कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कम से कम काम करना चाहते हैं, कार्य को उस संस्थान के अंदर बोझ समझते हैं, उससे भागना चाहते हैं और अपना सही कार्य वहां नहीं करते, कार्य को बोझ समझते हैं और कार्य से बचना चाहते हैं, दूर दूर भागना भागकर बचना चाहते हैं। विद्यार्थी गौर करें तो एक औसत कर्मचारी संस्थान के अंदर आलसी होते हैं, एक्स विचारधारा के अंदर कम से कम काम करना चाहते हैं और कार्य को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं और कार्य से बचना चाहते हैं, उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो संस्थाओं के अंदर जो कर्मचारी कार्य करते हैं औसतन कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ दायित्व दिए जाते हैं, उनसे वो दूर रहना पसंद करते हैं, उन दायित्वों को निभाते ही नहीं है, सही कार्य करते ही नहीं है। इसलिए मैकआर्थर ने दो विचारधाराएं प्रतिपादित की, एक्स और वाई, हम एक्स को पढ़ रहे हैं। तो दूसरा बिंदु हमने पढ़ा उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं और जो नवाचार होते हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं, जो आधुनिक प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए नवाचार करने जरूरी होते हैं, इन नवाचारों और इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं, ये नवाचारों को अपनाना में हमेशा विरोध करते हैं और आगे आते हैं कि हम ये
परिवर्तनों को नहीं अपनाएंगी। तो परिवर्तनों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब इस संस्थान को इस प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो विभिन्न प्रकार के नवाचार करने पड़ेंगे, नई नई सृजनशीलता लानी पड़ेगी, महत्वाकांक्षी भावनाएं उभारनी पड़ेगी। मगर ये कर्मचारी नव परिवर्तन का विरोध करते हैं। जिस प्रकार अगर विद्यार्थियों में बात कहूं तो जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी का विरोध हुआ, जिस प्रकार कंप्यूटर जो सर्वप्रथम आया था उस समय उसका भी विरोध हुआ था। तो विद्यार्थियों हर कर्मचारी नई नई चीजों का विरोध करते हैं, तो ये एक्स विचारधारा के जो कर्मचारी होते हैं वो नवाचार में विरोध करते हैं, परिवर्तनों का विरोध करते हैं। और ये कैसी विधि है, ये परंपरागत विधियों से कार्य करना पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया, ये कैसी विधि है, परंपरागत विधि है। और ये परंपरागत का मतलब होता है पुरानी विधि, जो ऐसी रीत जो पुराने समय से चलती आ रही हो, उन विधियों पर ये कार्य करना पसंद करते हैं। नवाचार तकनीक को ये कहीं भी नहीं मानते हैं। तो ये परंपरागत विधियों पर कार्य करते हैं विद्यार्थी, गौर करें। और चौथा बिंदु है कि सृजनशीलता का इसमें अभाव होता है और महत्वाकांक्षी ये नहीं होते हैं। ये महत्वता किसी चीज को नहीं देते हैं, इनके अंदर ऐसी आकांक्षा नहीं होती है कि नए नए कार्य करें, सृजनशीलता नई नई क्रिएटिविटी करें, कुछ कार्य इस प्रकार किए जाए जो कम लागत पर अधिक लाभ उत्पादन करे करवाए। उसमें एक नई सृजनशीलता लानी पड़ती है। एक कर्मचारी नए नए सोपानों को अपनाकर विभिन्न प्रकार की कुछ गतिविधियां करता है और नई नई चीजों को अपनाता है, क्रिएटिविटी करता है, तो ये एक सृजनशीलता की जो भावना होती है, उस क्रिएटिविटी जो नई नई चीजें अपन क्रिएट करते हैं, उस क्रिएटिविटी का इनमें अभाव होता है और महत्वाकांक्षी ये कभी भी नहीं होते हैं। विद्यार्थी गौर करें, आत्म केंद्रित या स्वार्थी होते हैं, इस संस्था से इनका कम लगा होता, आत्म केंद्रित होते हैं, बिल्कुल अपने कार्यों के लिए ही कार्य करते हैं, स्वार्थी भावना इनमें होती है। जब अपना कार्य समाप्त हो जाता है तो संस्था के लिए कार्य करने में कभी भी उत्सुक नहीं होते हैं, इनके अंदर स्वार्थ की भावना उभरती है। ये मैकग्रेगर एस विचारधारा के अंदर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की बात करते हैं, इनके अंदर ये प्रणाली होती है। इनको सुधारने के लिए उन्होंने वायु विचारधारा भी बताई कि किस प्रकार वायु विचारधारा के कर्मचारी होते हैं। इन्हें कार्य करवाने के लिए दंड भय प्रताड़ना का सहारा लेना पड़ता है। एक कर्मचारी को संस्था के अंदर अगर कार्य करवाना है तो इस प्रकार से इन्हें एक दंड भय और प्रताड़ना, दंड देकर उनके अंदर एक भय डालकर, ऐसा एक भय डालना कि कर्मचारी के अंदर अगर सही कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें संस्थान से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें प्रताड़ना, समय समय पर जाकर उन्हें टोकना ताकि वो कार्य सही कर सके, उन्हें बार बार समझा कर कार्य करवाना। इन इंसानों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है और ये इनके आदि हो जाते हैं। एक सफल प्रबंधक इस प्रकार से उनको दंड देता है, भय देता है और प्रताड़ के लिए कार्य करवाता है। ये आर्थिक और वित्तीय लाभों के लिए ही कार्य करते हैं, अपने अर्थ है धन से है और अपने जो वित्तीय लाभ इन्हें जो होते हैं उनके लिए ही कार्य करते हैं। इन्हें संस्था के कार्यों से इनका कोई लगाव इतना नहीं होता, अपना कार्य खत्म करने के बाद ये आत्म केंद्रित हो जाते हैं। विद्यार्थियों ये डगलस मैकग्रेगर की जो विचारधारा थी उनके अंदर एक्स विचारधारा, जो मानव की अभिवृत्ति होती है और मानव की जो व्यवहार होता है उनके बारे में इन्होंने एक्स विचारधारा में इन निम्न बिंदुओं को समझाया कि बताया कि एक औसत कर्मचारी आलसी होता है, कम से कम कार्य करना चाहता है और अपने कार्यों से दूर भागता है और कार्य को बोझ समझता है, उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करता है, परिवर्तनों का विरोध करता है, परंपरागत विधियों को अपनाता है, नई विधियों का विरोध करता है, सृजनशीलता का अभाव होता है, महत्वाकांक्षी वो कभी भी नहीं होता है, आत्म केंद्रित और स्वार्थी इंसान होता है, कार्य करने के लिए उन्हें दंड भय और प्रताड़ना पड़ता है और वो आर्थिक और वित्तीय लाभों के लिए ही संस्था के अंदर कार्य करता है। उसी आधार पर वायु विचारधारा जो अपने आप में मानव संसाधन की जो उपलब्धता होती है, एक सफल कर्मचारी जो मानव संसाधनों का सदुपयोग करता है और सकारात्मक भावना के साथ कर्मचारी जो संस्था के अंदर कार्य करता है, इस बारे में मैकग्रेगर ग्रेगर एक्स एंड वाई विचारधारा के अंदर डगलस ने ये विचारधारा दी। वाई तो सकारात्मक रूप में चलता है विद्यार्थियों, सकारात्मक रूप में चलता है और इसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और ये जो भी कार्य करता है जो एक्स विचारधारा के विपरीत करता है। अगर आप एक्स विचारधारा नाम से ही क्रॉस है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप प्रमुख रूप से वाई विचारधारा को आराम से कर पाओगे। देखो इनका कार्य को एक कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक सहज क्रिया मानता है, जो वो कार्य करता है संस्था के अंदर उसे स्वाभाविक मानता है कि वास्तव में स्वभाव के अनुसार ही कार्य मुझे करना चाहिए। सहज का तात्पर्य है कि उस कार्य को सरल मानता है, उसमें वो किसी भी प्रकार की विडंबना नहीं आने देता है, अपने कार्य वो कार्य अपना मानकर कार्य करता है तो स्वाभाविक तौर से करता है, उसके अंदर एक स्वभाव उत्पन्न होता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो कार्य को स्वाभाविक मानता है और सहज क्रिया करके मानता है, कार्य में कार्य करने को वो सहज मानता है।
विद्यार्थियों, यहाँ वो उत्तरदायित्व से दूर भागता है तो यहाँ महत्वाकांक्षा उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है, इसका उल्टा करना है, वो यहाँ उत्तरदायित्व से और महत्वाकांक्षा से वो दूर भागता है, उसी प्रकार यहाँ ये महत्वाकांक्षा उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी विचारधारा के अंदर नवीन विधियों को वो नहीं अपनाता है, परंपरागत विधियों को अपनाता है, तो यहाँ नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का वो स्वागत करता है, वेलकम करता है। जिस प्रकार संस्था के अंदर नई नई विधियां आती है उनका वो वेलकम करता है, उनका स्वागत करता है और उन्हें अपनाता भी है, स्वागत के साथ साथ अपनाता भी है। इनमें कल्पनाशील सृजनशीलता होती है, कल्पनाशील यानी कि दूरदर्शिता की भावना होती है, दूर के लक्ष्यों को साधकर विभिन्न प्रकार की नवाचार प्रणाली को अपनाता है, उन्हें करने के लिए अपने आप को बाध्य करता है और विभिन्न प्रकार की सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी करता है, संस्थान के अंदर नए नए कार्यों को सौंपान देता है, उसमें कल्पना करने की शक्ति होती है और दूरदर्शिता की भावना रखकर संस्था को पायदान को आगे बढ़ाने में प्रयास करता है। ये स्वयं प्रेरित होता है और स्वयं नियंत्रित होता है, सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को स्वयं प्रेरित करता है और प्रेरित करने के बाद विषम परिस्थितियों में अपने आप को स्वयं नियंत्रित करता है, आत्म केंद्रित ये नहीं होता है। समता के योग्यता का अधिकतम उपयोग करता है, ज्यादा से ज्यादा संस्था के अंदर अपनी समताओं और अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर कार्य करने की चेष्टा करता है। आधारभूत आवश्यकता हेतु काम नहीं करता है अपितु स्वाभिमान आत्मविश्वास हेतु का आधारभूत सुविधा, जैसे कि अपनी सुविधा, आधारभूत सुविधा का तात्पर्य है कि अपनी सुविधा रोटी कपड़ा मकान सब और पैसा एकत्रित करके आर्थिक स्थिति मजबूत करके अपनी वित्तीय स्थिति को पालन करकर अपनी आधारभूत सुविधाओं का पालन कर लेता है और फिर संस्था का कार्य छोड़ देता है, मगर यहाँ ये ऐसा नहीं करता है, आधारभूत आवश्यकता हेतु काम नहीं करता है अपितु यानी कि बल्कि ये स्वाभिमान अपने स्वाभिमान के लिए कार्य करता है, अपनी संस्था के स्वाभिमान के लिए कार्य करता है और वो भी कार्य आत्मविश्वास के साथ करता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों मैक्ग्रेगर एक्स वाई विचारधारा के अंदर, डगलस मैक्ग्रेगर एक्स वाई विचारधारा के अंदर इन्होंने एक्स और वाई विचारधारा को समझाया, एक्स जो नकारात्मक विचारधारा थी और वाई सकारात्मक विचारधारा थी, इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस के अंदर ये सिखाया कि इस प्रकार ये मानव की प्रवृत्ति होती है और मानव इस प्रकार कार्य करता है, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस के अंदर इन्होंने ये चीज बताई विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंदर हम आज मैक्ग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा को सीख पाए, अगले वीडियो के अंदर हम विलियम ओची की जेड विचारधारा को सीखेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर के बाद अभिप्रेरणा अध्याय को यहीं समाप्त कर आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।